जो अच्छा है एनएसटी बेंगलोर आपको कैसा लगा, एनएसटी बेंगलोर बहुत ही अच्छा लगा, इसके बारे में आप क्योंकि कुछ बताइए। पहले हम जैसे कि आए थे उससे पहले सोचते थे यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप कभी भी मौसम में यहाँ पे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बरसात ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम हेमराज, मैं है राजस्थान से, और आज है हम एनएसटीआई बेंगलोर में। तो आज कल की छुट्टी है, तो आज क्या किया हमने कि आज आपको कैंपस घुमाने का मकसद था हमारा कि हम आपको एनएसटीआई बेंगलोर में घुमाएं। तो आज है हम एनएसटीआई बेंगलोर की इस ग्राउंड पे, जो कि यहाँ है मेरे पीछे, ये है वर्कशॉप जहाँ पर फिटर और वेल्डर दो ट्रेड के लिए यहाँ पर स्किल दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ ये है इस जो वर्कशॉप है, इसका पूरा इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से ब्लॉक हैं। और हम आपको आज हमारे खास मेहमान और यहाँ एनएसटीआई बेंगलोर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स और हमारे कलीग से आपको हम मिलाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम दुर्गाचरण साहू है जी, और मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ और झारखंड से हूँ। मैं यहाँ CITS करने आया हूँ। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बेंगलोर का बहुत अच्छा माहौल है। बेंगलोर में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा नॉर्थ का खाना है, कोई जो नॉर्थ तरफ के हैं उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ साउथ इंडियन मिलता है सब कुछ। तो सांभर खाना जो भी आएंगे यहाँ अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको साउथ खाना सीखना पड़ेगा खाने के लिए। जी सही बात है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो CITS है वो एक्चुअल में आपको CITS करने से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं? सर पहला चीज़ तो जो ITI से है, चाहे डिप्लोमा चाहे BTEC से, उसका क्या होता है ना, थ्योरी तो अच्छा रहता है लेकिन उनका क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो स्किल होता है वो कमज़ोर होता है। तो यहाँ स्किल बहुत अच्छा दिया जाता है, और अदर NSTI का तो बोल नहीं सकता सर, लेकिन NSTI बेंगलुरु का बहुत अच्छा है, स्किल के मामले में बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जो भी लेते हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या CITS सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलता है जो सिर्फ इंस्ट्रक्टर के लिए CITS कर रहे हैं, या फिर दूसरे भी फील्ड में CITS का एक अच्छा अहम? पहले तो मेरे को भी यही लगता था कि यह बेनिफिशियल है बस इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए, लेकिन जब मैं आया, एडमिशन लिया और धीरे धीरे मेरा नॉलेज गेन हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि यह बेनिफिशियल खाली इंस्ट्रक्टर कोर्स के लिए है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज दोनों को मिला के आप एक तो कंपनी के लिए भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, दूसरा चीज़ है आप टीचिंग के लिए भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और तीसरा चीज़ है कि आगे अगर आपका बढ़ाना चाहते हैं स्किल, तो चाहे एक्स्ट्रा एजुकेशन जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और आप बहुत जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे इसके तरह। ऐसा नहीं है इंस्ट्रक्चर के लिए, बहुत जगह हो जाएंगे सर। तो मतलब जो CITS के बारे में लोगों के दिमाग में जो डाउट्स है कि सिर्फ CITS सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है कि डॉक्यूमेंट में है, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि सिर्फ डॉक्यूमेंट में ऐसा है कि CITS सिर्फ इंस्ट्रक्टर के लिए है, लेकिन आप बता रहे हो कि CITS करने से पर्टिकुलर एनएसटीआई बेंगलोर से अगर आप CITS करते हो तो यहाँ पर आपको इतनी अच्छी स्किल मिलेगी कि आप किसी भी जो अपना कोर सब्जेक्ट है उसमें आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आप वहाँ पर अलग ही निकलोगे। पहले जब मैंने एडमिशन नहीं लिया था तो मेरे को भी यही लग रहा था सर कि ऐसा ही है इंस्ट्रक्टर के लिए, जब इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आएगा तो मैं भरूंगा बस उसके लिए। लेकिन एक अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? इसके पहले मैंने कुछ दिन तैयारी किया और प्राइवेट जॉब भी किया था। अच्छा, किस चीज की तैयारी किए थे? वही SSC JEE, मेरा डिप्लोमा है सर। अच्छा डिप्लोमा है तो SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे। SSC JEE वगैरह तो SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम, आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम में और आज के टाइम में क्या अंतर आपको देखने को मिला आपकी जो इस टाइम? मेरे को थ्योरी नॉलेज था लेकिन थ्योरी में होता है, लेकिन जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया उसके बाद देखा कि प्रैक्टिकल करके देखा कि ऐसा होता है, एक्चुअल में देखा वो अपने आप में, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। थ्योरी में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिला है? हाँ थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है सर पहले के। चलो छोड़ो, ये होगी पढ़ाई की बात, इंस्ट्रक्टर के लिए जो CITS कर रहे हैं अपन, चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ का बेंगलोर में आप रह रहे हो, यहाँ बेंगलोर का एनवायरनमेंट कैसा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो कभी उसको मतलब मन से डर हटा देना चाहिए कि क्या है, कैसा है, क्या है, अकेले आएंगे तो क्या होगा, वो सब डर हटा देना चाहिए। अच्छा आपको कैसा लगा शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में आए थे तो आपको कैसा लगा? 2 दिन तो मेरे को मन नहीं लगा था जी, लेकिन फिर मैंने 4-5 दिन रहा, उसका बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ जो लड़के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, सब दोस्त बन जाते हैं और लगता ही नहीं है कि उसको कि हम लोग दूसरा जगह रह रहे हैं, लगता है कि अपना यहाँ आए हैं, जो अपने घर गांव जैसा लगता है ये बहुत अच्छा। अब हम आपको मिलाते हैं एक और यहाँ के एनएसटीआई बेंगलोर के होनहार स्टूडेंट से। नमस्कार सर।
नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? धीरेन महतो। धीरेन महतो, कहाँ से हो आप? हम झारखंड से हैं। झारखंड से हो? हाँ। अच्छा, तो सर यहाँ आप क्या कर रहे हो? CITS कर रहे हैं अभी। CITS लास्ट है। हाँ, लास्ट है और एक दो महीने में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगस्त में सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आपका टास्क क्या है? टास्क क्या है यहाँ कंप्लीट करने के बाद जाना है उधर अपना असिस्टेंट पे और इंस्ट्रक्टर बनना है कोई भी ITI कॉलेज। चलो अच्छी बात है सर। सर हमें इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग के लिए ही यहाँ आए हुए हैं जी। NSTA बेंगलोर जो है। अच्छा, NSTA बेंगलोर आपको कैसा लगा? NSTA बेंगलोर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बारे में आप कुछ बताएं। पहले हम जैसे कि आए थे उससे पहले सोचते थे, यूट्यूब पे वीडियो देखते थे कि वहाँ जाना है, घर से 18-19 किलोमीटर दूर है, प्लस वहाँ का माहौल क्या है, कैसा है कैसा है, वो बहुत कुछ सोचते थे। पर यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम अपना गाँव घर का जो माहौल है वैसे ही लग रहा है। यहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ का वेदर, क्योंकि यहाँ गर्मी का इस बार तो गर्मी का पता ही नहीं चला। हमारे वहाँ तो 45 डिग्री तक चला गया था, पर यहाँ पे पता ही नहीं चला। और यहाँ का जो जो NSTA बेंगलोर है जी, NSTA बेंगलोर जो है नॉट फॉर ओनली CITS के लिए, ये स्पेशल ये एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये पहले FTI हुआ करता था, लेकिन अभी NSTA हो गया है। उसमें यहाँ जो हमारे इलेक्ट्रिकल के बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन हमारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो ट्रेनिंग बहुत अच्छा करवाते हैं। गेस्ट फैकल्टी एक है रामेगौड़ा सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो मतलब इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उनके जो यहाँ का जो लेब है कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा बनाया। ऐसा हमको नहीं लगता है कि हमारे स्टेट पे तो एक भी ITI कॉलेज में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि यहाँ पे है जी। बहुत जी। अच्छा लगा। बाकी यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी, दो हॉस्टल है, एक न्यू हॉस्टल बन रहा है हमारा जो जिस हॉस्टल पे रह रहे हैं सिंगल। हाँ, हाँ, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी चैनल पे आप सब देख सकते हो। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें और थैंक यू, भगवान करे कि आपको अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। थैंक यू सर। आपको हम दिखाते हैं, ये है CNC सेंटर। यहाँ पर CNC का जो कोर्स है वो यहाँ पर करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट और भी ट्रेड्स हैं, ठीक है। और आपको हम देखिए, ये यहाँ पर नाइट, कल का छुट्टी है तो आज ये लोग अभी सब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब सोच रहे हैं कि एक महीने के बाद हमें चले जाना है, उसके बाद आपको हम कैंपस का और भी भ्रमण करवाते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की अगली कड़ी में। दोस्तों, वीडियो की अगली कड़ी में हम पहुंच चुके हैं NSTA बेंगलोर के इस ओपन जिम खाने में। तो यहाँ पर हम मिलते हैं इन सर से। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सार्विक सिंह है, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से CITS का कोर्स कर रहा हूँ। जी सर, NSTA बेंगलोर के बारे में कुछ खास बात, कुछ पांच अच्छी खूबियां बताइए। हाँ, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो NSTA बेंगलोर यानी बेंगलोर की जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप कभी भी मौसम में यहाँ पे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बरसात न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में आप देखोगे कि सिंगल रूम भी आपको मिलेंगे, सिंगल रूम आपको रहने के लिए वहाँ पे है, अवेलेबल है, और उसके साथ साथ कैंटीन की सुविधा आपको मिलेगी। और हमारा जो बिल्डिंग है जिसमें हमारी क्लासेस चलती है, उसमें आपको लाइब्रेरी भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत सारी यहाँ पे जो सुविधाएं यहाँ पे हैं। जिम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? जिम तो आप जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन जिम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको तरह तरह के दिखेंगे आपको एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे आप मॉर्निंग में आओगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो, और इसके साथ साथ इवनिंग में भी आप आके यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो जी। तो सर, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें जी। धन्यवाद सर। मैं बंदा आया है, कटे रखे।